Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको करंट जीके और जीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ. ये जो क्वेश्चंस हैं ये उत्तराखंड ग्रुप डी, यूके ट्रिपल एस सी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, यूके पी एस सी और उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें कि उत्तराखंड जीके और करंट जीके के संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं. और अन्य परीक्षाएं जैसे कि एस एस सी, बैंक, एम बी ए, रेलवे आदि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं. जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, यूके ट्रिपल एस सी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनडीए, सीडीएस, एमबीए, रेलवे, एसएससी आदि परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा कोचिंग सेंटर डाकपत्थर देहरादून में है और जो कैंडिडेट्स दूर आउटसाइड रहते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, सीटीईटी, उत्तराखंड टीईटी, यूपी टीईटी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग करवा रहा हूँ. इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. वो करंट जीके, जीके के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. करंट जीके और जीके के लिए प्रश्न एक है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? उत्तर है भगत सिंह कोश्यारी. भगत सिंह कोश्यारी जो कि उत्तराखंड के पहले जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. तो भगत सिंह कोश्यारी जी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है. और प्रश्न दो है, केरल के नए राज्यपाल कौन है? केरल के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है. प्रश्न तीन है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन है? तेलंगाना का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तेलंगाना का जो राज्यपाल बनाया गया है ये बनाया गया है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है. प्रश्न चार है, राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है? राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र हैं. कलराज मिश्र जी को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है. प्रश्न पाँच है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं ये बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है. प्रश्न छह है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रुप डी के अनुसार ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सभी को ये पता होगा, रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं. प्रश्न सात है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? इसका उत्तर है जनरल बिपिन रावत भारत के वर्तमान सेना प्रमुख हैं. प्रश्न आठ है, भारत के वर्तमान उप सेना प्रमुख कौन है? अभी इन्हें नया उप सेना प्रमुख बनाया गया है. भारत के जो वर्तमान उप सेना प्रमुख हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने हैं. प्रश्न नौ है, पिंगईकुला अल्पाइन पौधा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड जीके के लिए. पिंगईकुला अल्पाइन पौधा कहाँ पाया जाता है? उत्तर है बद्रीनाथ और नंदा देवी नेशनल पार्क में. पिंगईकुला अल्पाइन पौधा बद्रीनाथ और नंदा देवी नेशनल पार्क में पाया जाता है. प्रश्न दस है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो करंट एग्जाम्स होने वाले हैं. भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? उत्तर है निर्मला सीतारमण जी भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं. प्रश्न ग्यारह है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सबको ये जानकारी होनी चाहिए जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं. प्रश्न बारह है, भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं. प्रश्न तेरह है, हेस्को के संस्थापक निदेशक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक निदेशक हैं. प्रश्न चौदह है, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती 10 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है गौरव दिवस. भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती 10 सितंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है. प्रश्न पंद्रह है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2019 में होने वाले अधिवेशन में महासभा को कब संबोधित करेंगे? उत्तर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2019 में होने वाले अधिवेशन में महासभा को संबोधित करेंगे। प्रश्न 16, संयुक्त राष्ट्र का 2019 का अधिवेशन कब से कब तक होगा? इसमें कितने राष्ट्र प्रमुख भाग लेंगे? संयुक्त राष्ट्र का 2019 का अधिवेशन 24 से 30 सितंबर तक होगा, 24 से 30 सितंबर तक, और इसमें कुल 112 राष्ट्र प्रमुख भाग लेंगे, 112 राष्ट्रों के प्रमुख इसमें भाग लेंगे। प्रश्न 17, संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार की प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार की प्रमुख मिशेल बैचलेट है। प्रश्न 18, नैनीसैनी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न 19, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर है ओम बिरला। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न 20, पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच होने वाली हवाई सेवा को कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? उत्तर है हेरिटेज कंपनी। प्रश्न 21, उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रश्न 22, वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या 18 से घटकर कितनी रह गई है? अभी जो हमारे देश में जो सरकारी बैंकों की संख्या है, ये पहले 18 थी, अब ये घटकर 12 रह गई है, 12 हो गई है सरकारी बैंकों की संख्या। प्रश्न 23 है, 2017 में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? 2017 में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी, अब 12 रह गई है। प्रश्न 24, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2019 में कौन से स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2019 में कौन से स्थान पर है? उत्तर 140वें। प्रश्न 25, भारत के वर्तमान केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। इस वीडियो में मैंने आपको करंट जीके और जीके के संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। जल्दी मैं ग्रुप डी और उत्तराखंड के अन्य परीक्षाएं जैसे कि UK SSSC, UK PSC, उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड आदि के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे CTET, TET आदि के लिए और प्रश्न अपलोड कर दूंगा। जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, UK SSSC, CTET, उत्तराखंड TET और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।